डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है माई एच पी एल में एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शंस है वो बिल्ट इन फंक्शंस है जो पहले से बनाए हुए हैं, पहले से बना के प्री इंस्टॉल्ड है एसक्यूएल में, और जिनको हम डेटा और टेबल पे, टेबल के कॉलम या उसके फील्ड या उसके डेटा पे हम यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस में ये फंक्शंस हैं एवरेज, काउंट, फर्स्ट, मैक्स, मिन, सम। ये जो फंक्शंस हैं ये रेफरेंस बुक से दिए गए हैं। इनके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं जिनको आप अभी रेफरेंस बुक से देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एवरेज फंक्शन जो है वो किसी भी टेबल के कॉलम के एवरेज को डिस्प्ले करेगा। एवरेज के कॉलम के एवरेज मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक वैल्यूज हो, मान होंगे टेबल में, उनके सभी को एवरेज करके दे देगा। और उसका जो फॉर्मेट है वो है आपका सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम, यहाँ कॉलम का नाम आएगा जिसको आप करना है, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नाम से। काउंट फंक्शन है वो नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करेगा, इसमें कितनी रो हैं, नंबर ऑफ रोज यानी कितनी रोज हैं, रोज का मतलब कितने रिकॉर्ड हैं। अगर 50 रिकॉर्ड है 50 कर देगा, 60 है यानी कितनी हमने स्टूडेंट्स की अगर डेटाबेस है तो कितने रिकॉर्ड हमने उसमें कर रखे हैं। उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट काउंट कॉलम नंबर फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पे हम मान लीजिए रिजल्ट देखना चाहें कि रिजल्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लें या परसेंट को कर लें, तो जितने भी कॉलम होंगे वो आ जाएंगे इस टेबल से, लेकिन हम स्टार करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। कॉलम करेंगे उस कॉलम में, यहाँ ये होगा कि अगर किसी जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया उसमें नल वैल्यू है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। स्टार मीन्स सबको काउंट कर लेगा। अगला फर्स्ट, ये उस कॉलम की जो हमने सेलेक्ट किया है कॉलम या जिसको हमने कॉलम नेम यूज़ किया है फर्स्ट में, फर्स्ट के बाद में यहाँ कॉलम नेम देंगे उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। मैक्स, उन कॉलम टेबल के कॉलम्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल, उसको आपको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आप मिनिमम, वही सेम मिनिमम वैल्यू आपको उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा। और सम, उन कॉलम्स की वैल्यूज को सम करके आपको रिजल्ट शो करेगा। इसका एग्जांपल में हम अगर देखें कि ये नाम है, आईडी है, ये आईडी है, उसके बाद में नेम है, सेल्स कितने रुपए की सेल्स की क्वांटिटी कितनी उसने बेची, परफॉर्मेंस पुअर या गुड जो भी। तो यहाँ अगर हम इन फंक्शंस का यूज लें, तो अगर मैं सिंपल सा सम का फंक्शन का इस कॉलम पे यूज लूँ तो इनका टोटल आपको शो कर देगा। मिनिमम लेऊँ तो आपको 1000 डिस्प्ले करेगा, मैक्सिमम लेऊँ तो आपको 50,000 सेलेक्ट करेगा। इसके अनुसार ये फंक्शंस यूज में लिए जाएंगे। मैक्सिमम, मिनिमम, सम, फर्स्ट पहली वैल्यू, सबसे पहला कॉलम काउंट कितने रिकॉर्ड्स हैं, एंड एवरेज उनका एवरेज वैल्यू क्या है या एवरेज उस टेबल का एवरेज क्या है, इसको यूज नहीं। उसके बाद आते हैं स्केलर फंक्शंस। स्केलर फंक्शंस में पहला है वी, यू केस, अपर केस। अगर आप किसी टेबल के कॉलम के फील्ड्स को अपर केस, लोअर केस में और उनको अपर केस में चेंज करना चाहते हैं, या कुछ लोअर में कुछ अपर में, तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। उसका आपका सिंटेक्स है वो है कि सिलेक्ट यू केस फंक्शन कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल। तो उस कॉलम के सभी डेटा यानी सभी रिकॉर्ड्स उस कॉलम के वो अपर केस में, ऐसे लोअर केस को भी यूज कर सकते हैं। मिड फंक्शन, मिड फंक्शन क्या करेगा कि अगर किसी टेक्स्ट फील्ड में से निश्चित संख्या के कैरेक्टर लेकर यूज करना है, यानी हमें केवल 4 कैरेक्टर लेना है, स्टार्ट 1 से कर दिया, लेंथ 4 कर दी,
तो उस टेबल के कॉलम नेम में से चार को डिस्प्ले करेगा या यूज करेगा। ऐसे लेन फंक्शन है, लेन दिखाएगा कि इस कैरेक्टर में, इस फील्ड में, हर रिकॉर्ड में कितने कैरेक्टर, जैसे आपने नेम पे लगा दिया तो आगे आपको इसको डिस्प्ले करना चाहे तो दिखाएगा कि पहले रिकॉर्ड में चार कैरेक्टर का नाम है, दूसरे में पाँच का है, तीसरे में छः, जितना है राउंड्स ये पॉइंट्स डेसिमल संख्याएं जो होती हैं उनके लिए यूज किया था। पॉइंट 4.5 है, 4.4 है, 4.1 है, तो कितने डेसिमल में हमें यूज लेने हैं, इसको राउंड ऑफ करके दिखाएंगे, ये राउंड है। नाउ नाउ फंक्शन करंट डेट डिस्प्ले करेगा। अगर हम इस फंक्शन के साथ अगर हम सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कोई फील्ड है, प्राइस कोई फील्ड है, नाउ एज पर डेट नाउ फंक्शन यूज ले लेंगे और प्रोडक्ट्स में देंगे तो अभी की डेट पे क्या प्राइस है वो आपको दिखा देगा, यानी इस टेबल में कौन कौन से आपके पास प्राइस नाउ, इस डेट की प्राइस क्या क्या चल रही है इस प्रोडक्ट पे, वो आपको आज की शो कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शंस हैं, इनको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें, रेफरेंस बुक से देखें, और जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई नया फंक्शन आपके सामने आता हो, बुक्स रेफरेंस में करें और एग्जाम्पल देखें, प्रैक्टिकल में हम इनको आगे और करके देखें।